आजकल के जमाने में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो समझिए कि गए हजारों लाखों रुपए देखते ही देखते। क्यों? क्योंकि इलाज तो छोड़िए, लेकिन उस इलाज का, उस बीमारी का पता लगाने में पैसे इतने खर्च हो जाते हैं कि बात समझ से बाहर चली जाती है। खैर, अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त है और इलाज के खर्चे से डर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि भाई आज से कई सौ साल पहले जब कोई व्यक्ति बीमार होता था ना, तो आज की तरह मल्टी बिल्डिंग्स वाला अस्पताल नहीं होता था, बड़ी बड़ी मशीनें टेस्ट करने के लिए नहीं होती थी। उस समय होते थे तो केवल एक चीज, वो होते थे वेट, वही जो है आपके डॉक्टर होते थे और वही टेस्ट करने वाली, आपकी चेकिंग करने वाली मशीनरी। केवल एक हाथ की नस पर हाथ रख करके बता देते थे कि भाई आपको बीमारी क्या है, उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है और आगे इलाज किस तरीके से होगा, कितना लंबा होगा। खैर, अब बदलते जमाने के साथ वो चीजें बदल गई हैं, मगर फिर भी आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर से ज्यादा वैद्य पर जो है विश्वास रखते हैं, वैद्य के काम करने के तरीके पर या दवाई देने के तरीके पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उन लोगों के लिए ये वीडियो। दरअसल आज फिलहाल मौजूद हूँ हिसार के मील गेट के नजदीक। ये मेरे पीछे ठीक आप सामने देख रहे हैं श्री बालाजी आयुर्वेदिक औषधालय। दरअसल डॉक्टर सुभाष वर्मा है, वैद्य हैं, पिछले 15-16 सालों का एक्सपीरियंस है और इनका कहना है कि सिर्फ हाथ की नस यानी कि नाड़ी देख करके बता सकता हूँ समस्या क्या है, बशर्ते आपको खाली पेट होना जरूरी है। सिम्टम्स भी खुद ही बताऊंगा, बीमारी भी खुद ही बताऊंगा, दवाइयां भी मैं ही दे दूंगा। बाकी अब ये पूरी हकीकत है या फसाना, ये तो चलिए अंदर चल करके ही जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आज आए भी हुए हैं, तो इन पेशेंट से चल करके पूछ लेते हैं कि भाई साहब अगर आपने पहले इलाज करवाया है तो आपको परिणाम मिला या नहीं मिला, या फिर पहली बार आए हैं और अगर पहली बार आए हैं तो क्या डॉक्टर ने सिम्टम खुद ही बता दिए हैं या आपसे पूछे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। पहले से दवाइयाँ चल रही हैं या अभी जो है पहली बार दिखाने के लिए आए? नहीं जी, 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए। क्या परेशानी थी आपको? पेट में दर्द, मरोड़, दस्त, कुछ भी हजम नहीं होता था। अच्छा, यहाँ आने के बाद कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल कमजोर सी थी पहले, मैं अब सही हूँ। अब सही हो गया, चलिए खुशी ना चेहरे पे दिख रही है। हाँ जी, आपको क्या परेशानी थी? अभी पहली बार आए। पहली बार आए हो, दिखा दिया है कि अभी दिखाना बाकी है? दिखाना बाकी है, दिखाना बाकी है। हाँ जी, आप पहली बार आए हो, पहले आ चुके हो? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। क्या परेशानी थी आपको? एलर्जी। एलर्जी किस चीज की? खारिश आया करती, खारिश आती थी। सो यहाँ 3 महीने से दवाई ले रहे हो, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ है। हाँ जी, बीमार दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या मतलब, क्या परेशानी है? भूख नहीं लगती, डॉक्टर बोलो नमक मत खाओ, नमक मत खाओ। मैंने खाया नहीं नमक, नमक नहीं खाना, नमक की बंदी है, भूख नहीं लग रही है। हाँ। तो यहाँ पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए हो। तो इनके साथ आप आए, क्या समस्या है इनको? पेट में दर्द, पेट में दर्द रहता है। पहली बार आए हो, दिखा दिया? हाँ, कि दिखाना भी बाकी है? पहली बार आई हूं। दिखा दिया? नहीं अभी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आपसे पहली बार आए हो, पहले आ चुके हो? इनके साथ ही हो। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आपके इन पेशेंट्स में से कोई ऐसा है जो पहली बार दिखाने आया है? आप पहली बार आए हो, दिखा चुके हो कि दिखाना भी बाकी? दिखा दिया मैंने। दिखा दिया है। क्या समस्या है? डॉक्टर साहब को नस दिखा के पता चला कि नहीं पता चला? दिखा के बता दिया डॉक्टर साहब ने। बता दिया। वैसे अभी ये लड़के की नस चेक कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं कि क्या परेशानी, डॉक्टर साहब पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। बड़े गहरे ध्यान से नस को सुनना। और शरीर टूटता रहता है, हरकत रहती है, हल्की नज़ली छाती है। इसकी माइक लगा लो, आप साथ साथ सुनता रहेगा, हमारे व्यूअर्स को भी क्या बता रहे हैं है ना। इस पेशेंट को नजले की दिक्कत है जी। हाँ। इसको पेट में हल्की सी गैस तेजाब बनती है, इसको खाया पिया नहीं लगता जी। तो ये आपने डॉक्टर साहब को पहले बताया? डॉक्टर साहब ने खुद ही आपको बता दिया? इन्होंने खुद ही बता दिया आपको? भाई क्या बात है, तो मतलब ठीक बताया कि गलत बताया? ठीक बताया। ठीक बताया। अच्छा चलिए, थैंक यू। एक बार थोड़ी सी देर मुझे जगह दे दो। तो भाई एक बार दोबारा से आपको बता दूं कि डॉक्टर सुभाष जो कि वैद्य हैं, पिछले काफी सालों से जो है हाथ की नस देख करके, तो डॉक्टर साहब अभी मैंने तो खाना खा रखा है वरना मैं भी जरूर पूछती। मैडम अगर आप खाली पेट होते तो बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आपका धन्यवाद आपका आने का, आपका चैनल का, और आपका धन्यवाद जी। ठीक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए किस किस चीज की मतलब जो है आप नाड़ी
दवाई दे करके किस किस बीमारी का इलाज कर देते हैं, किस बीमारी का पता लगा लेते हैं? देखो जी, तकरीबन हम सारी बीमारियों का बता देते हैं। एक आधा पेशेंट ऐसा होता है जो खा के आता है या जिसका पता नहीं चलता जी। 100 में से एक दो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी नाड़ी देखने से पता नहीं चलता कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बाकी तकरीबन हम पेशेंट को सारी बीमारियां बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है, ठीक है जी, और ये दिक्कत आई हुई है आपको जी। हाँ जी, तो मतलब और उन बीमारियों के इलाज की अगर बात करें, पहली बात तो क्योंकि भाई आजकल बीमारी का टेस्ट करने में बड़े मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये भी समस्या है या ये जो चेक करने में बड़ा खर्चा आ जाता है, वो खर्चा तो आपने बचा लिया। अब इलाज की बात करें तो इलाज कैसे करता है फिर? मैडम देखो, हम आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज करते हैं। पेशेंट तकरीबन जब खाने स्टार्ट करता है तो उसको 5 से 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जी। ठीक है, कई कई पेशेंट को क्या होता है जी, कहीं वो 10-12 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, यानी कि पहले जो 15 दिन की मेडिसिन लेके जाता है पेशेंट, पहले 15 दिन की मेडिसिन उसको पूरा रिस्पांस मिल जाता है जी। ठीक है, अगली बार जब पेशेंट आता है तकरीबन ये बात बोलता है कि मेरे को इतना परसेंट आराम है जी। पेशेंट आपके सामने, आपने पूछा भी होगा जी, ठीक है, पेशेंट खुद रिस्पांस बताता है जी। तो दवाइयों की अगर बात करें, एलोपैथी यूज करते हैं या क्या? नहीं मैडम, हम प्योर हर्बल आयुर्वेदिक दवाइयां यूज करते हैं अपनी। तकरीबन ये मान के चलिए कि 80% दवाइयां अपनी खुद कूट पीस के छान के खुद तैयार करते हैं जी। जी, और अगर बात करेंगे भाई हफ्ते में कितने दिन, क्योंकि भाई क्यों अक्सर संडे को भी डॉक्टर छुट्टी पे होते हैं, तो नहीं मैडम हम संडे की कोई छुट्टी नहीं करते, हम मंगलवार की छुट्टी करते हैं जी। अच्छा, मतलब मंगलवार को जो है आप अपनी जगह पर नहीं बैठते हैं। वैसे आपका यहाँ का जो एड्रेस है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई डॉक्टर्स के धक्के खा के थक चुके हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि डॉक्टर्स बुरे हैं, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मन होता है कि एक बार वैद्य से आकर के जरूर चेक करवाएं। सो इनका जो एड्रेस है वो नीचे फिलहाल मैं चला रही हूँ। सो सुभाष जी, अगर आज तक की बात करें, कितने पेशेंट्स को जो है आज अब तक आप ट्रीट कर चुके हो? मैडम देखो, हजारों पेशेंट आ चुके हैं वैसे तो, ठीक है, एक दो पेशेंट उनमें से ऐसा भी होता है अभी जो ठीक भी नहीं होता, क्योंकि हम भगवान तो नहीं सारे सारों ठीक कर देंगे जी। बिल्कुल, ठीक है जी, एक आधा पेशेंट कोई नेगेटिव आता है, बाकी भगवान की तरह से पॉजिटिव ही चलते हैं जी। ठीक है जी, चलिए, देखिए ये ईमानदारी की चीज मेरे को एक अच्छी लगी, मतलब ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं तो भगवान हूँ, मेरे तो सारे पेशेंट ठीक होके गए हैं, तो खुद ही ईमानदारी बता रहे हैं कि भाई 100 में से 1 ठीक नहीं भी होता है। और ये चीज वाकई बड़ी, बहुत कम डॉक्टर्स या वैद्य जो है इस चीज को एग्री करते हैं कि भाई कुछ ही पेशेंट्स जो है नहीं ठीक होते हैं, उन्हें नई दवाई लगती है, लेकिन ईमानदारी है, ठगना वाली कोई चीज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सो किस समय से किस समय तक आप यहाँ पर बैठते हैं? मैडम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक हम खाली पेट पेशेंट देखते हैं, जो भी पेशेंट आए वो खाली पेट ही हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, खाना खाने के बाद में हम पेशेंट को नहीं देखते जी। वैसे अगर आप इतने पेशेंट्स, आप बोल रहे हैं हजारों पेशेंट्स को आप अब तक देख चुके हैं, तो आपकी एजुकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, कहाँ से जो आपने ये सब सीखा है, इसकी सारी वो थोड़ी सी जानकारी मेरे को। मैडम ऐसा है, मैंने मेरे गुरु से काम सीखा था, ठीक है, उनसे सीखने के बाद में धीरे धीरे मैंने खुद करना स्टार्ट किया। आज प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी है भगवान की दया से कि हम पेशेंट को खुद ही बता देते हैं कि आपको ये दिक्कत हो रही, इतने टाइम से दिक्कत है। ठीक है, तो भाई ये थे डॉक्टर सुभाष, जो कि मील गेट के नजदीक ही जो है अपना ये औषधालय चलाते हैं, और जो भी यहाँ पर इनसे एक बार विजिट इनके पास करने आए तो जरूर भूखे पेट आए। ये इनकी खास कंडीशन रहती है कि नर्स वो तभी चेक कर पाएंगे जब आप खाली पेट होंगे, और कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो आपसे पहले खुद ही बताने की कोशिश करते हैं कि आपको एक परेशानी है या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, तो वो खुद ही बताते हैं। खैर, अगर बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर काट कर थक चुके हैं या फिर किसी वैद्य से एक बार अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो इसे एक बार आकर के जरूर मिले। खैर, ये अपडेट यहीं तक, आगे भी सिटी बैंक न्यूज पर सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए और जुड़े रहिए सिटी बैंक न्यूज के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स मैडम जी।